यहाँ से झूला जो है उससे आप ऊपर जा सकते हैं। हम लोग इस वक्त झूले में हैं और मनसा देवी के लिए पहले भी था ये, लेकिन अब चंडी देवी के लिए नई ये जो है एक शुरुआत की गई है इसकी, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। देखिए पहाड़ों के बीच से जब आप झूले पे जाएंगे तो आप एक अलग ही आनंद को महसूस करेंगे। देखिए कितना खूबसूरत है। चंडी देवी मंदिर सुबह 5 बजे खुलता है और रात को 8 बजे बंद होता है। मंदिर खुलने के बाद सुबह यहाँ सबसे पहले 5:30 बजे आरती होती है। सुबह की आरती के बाद दिन भर पूजा दर्शन का कार्य चलता है। चंडी देवी मंदिर पहुँचने के लिए आप 2 रास्तों से जा सकते हैं। पहला रास्ता आप पैदल यात्रा करके तय कर सकते हैं, जो कि लगभग 6 किलोमीटर का है, और दूसरा रास्ता आप रोपवे से तय कर सकते हैं। तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए चंडी देवी उड़न खटोला के नाम से जानी जाने वाली रोपवे सेवा की शुरुआत हो चुकी है। रोपवे नाजियाबाद रोड पर गौरी शंकर मंदिर के पास स्थित निचले स्टेशन से तीर्थयात्रियों को 2,900 मीटर यानी कि लगभग 9,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित चंडी देवी मंदिर लेकर जाता है। रोपवे मार्ग की कुल लंबाई लगभग 740 मीटर यानी कि 2,430 फीट और ऊंचाई 208 मीटर यानी कि 682 फीट है। पहाड़ी के दूसरी ओर घने जंगल हैं और रोपवे गंगा नदी और हरिद्वार के सुंदर दृश्यों को भी दर्शाता है। अगर आप चंडी देवी और मनसा देवी दोनों मंदिरों की यात्रा रोपवे यानी कि उड़न खटोला से करना चाहते हैं तो इसकी फीस लगभग 350 रुपये होती है, लेकिन अगर आप सिर्फ चंडी देवी मंदिर के दर्शन पर जा रहे हैं तो प्रति व्यक्ति दोनों तरफ का किराया लगभग 200 रुपये होता है। चंडी देवी और माता अंजना के लिए हम पहले ऊपर आए थे उड़न खटोले से, अब नीचे जाएंगे। ये बेहद रोमांचक भी है और मज़े इसमें बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। दोनों मंदिरों के दर्शन कीजिए, उसके बाद उड़न खटोले से एक बार फिर से नीचे चलते हैं। उम्मीद करते हैं रोपवे से उड़न खटोला की ये मनोहारी यात्रा आपको भी काफ़ी पसंद आई होगी। अगली बार जब आप मनसा देवी या चंडी देवी मंदिर दर्शनों के लिए जाएं, तो उड़न खटोला की यात्रा का आनंदमय अनुभव ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि आपकी यात्रा कैसी रही। इसके अलावा अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।